जिला के अंतर्गत आने वाले चंद्रमणि नगर में नाले से बह रहा पानी काफी ऊपर बह रहा है, जिसका असर स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने सुधा नगर पालिका पर लिखित बयान देकर भी इस समस्या की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। इस क्षेत्र में नालों के गहरे न होने व सफाई नहीं होने से क्षेत्रवासियों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए ये पानी नाले में बहने के बजाय सड़क पर बहता है, लेकिन कभी कभी ये पानी निवासियों के घरों में भी घुस जाता है। ये गंदा पानी यहाँ रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है और नागरिकों ने मांग की है कि नगर पालिका इस समस्या पर ध्यान दे और नालों की सफाई करे। 5 वर्षापासून ही नाली साफ सफाई झाली, ही काय पूर्ण आमच्या चंद्र नगरच्या नाल्या साफ झाल्या नाही, त्यामुळे इथे पाणी जमा राहते, मागे पाणी जमा राहते नाल्या प्रत्येक ठिकाणी, आणि तो कचरा साचून नाल्या पूर्ण तुटून भरला आहे कचऱ्याने। नळा जेव्हा पाणी सुटते पाईपमधून टंकीतून तेव्हा पाणी वाहते, एक इथून वाहते, इथं जमा झाल्यावर ह्या इथून वाहते। तुम्ही सकाळी येऊन पहा, पूर्ण लोट वाहताना दिसून आले। तक्रार केली तक्रार सगळ्याच लोकांनी केली आहे, सगळ्यांचं आहे, पण कोणी येत नाही। आले तर मागं काय करतात, त्यांनी इच्छी माती उचलली। आता त्या दिवशी आले तिथं बुडलं रस्ता खोडलं, ते लोकांना जाण्यास त्रास होऊन राहिला, पण नादीकडे त्यांना लक्षच नाही आहे। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।